जय हिंद। हम कंटिन्यू रखेंगे या पार्ट सेकंड है फर्स्ट इन इंडिया का। अब इस वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था। लास्ट क्वेश्चन हमने छोड़ा था कहाँ पे? एमपी। एमपी पर देखे, एमपी का भोपाल जो है सिटी ऑफ लेक्स कहलाती है, सिटी ऑफ टेंपल भुवनेश्वर कहलाती है। भारत की पहली लेक जो है, भारत की पहली जो लेक है उसको पहली लेक किसने बनाई थी? आर्टिफिशियल लेक राजा भोज दल ने बनाई थी। राजा भोज जो है ये भोपाल, जिन्होंने सिटी भोपाल सिटी राजा भोज ने बनाई थी। जयपुर सिटी सवाई जय सिंह ने बनाई थी। और अमृतसर सिटी जो है गुरु रामदास जी ने बनाई थी। ये तीनों क्वेश्चन बड़ी बार आते हैं, ठीक है। और राजा भोज ने जो लेक बनाई थी उसको अपर लेक और भोजतल लेक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ग्वालियर पैलेस भी मध्य प्रदेश में है। खजुराहो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी एमपी में है, ठीक है। शिवराज चौहान यहाँ से क्या है? चीफ मिनिस्टर। और यहाँ पे आनंदी बहन जो है गवर्नर है कहाँ की? मध्य प्रदेश की। ये भी याद रखेगा। एमपी में दुनिया का सबसे बड़ा नदियों का जो आंदोलन हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो भी एमपी मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, ठीक है। और यहाँ पे और क्या है? भीमबेटका रॉक शेल्टर। भीमबेटका रॉक शेल्टर दुनिया की सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी रॉक है, रॉक शेल्टर के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर 22 रॉक्स पाई जाती है, पैलोलिथिक एज से ये बिलोंग करती है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे महेश्वरी सिलक, महेश्वरी सिलक की सिलक को भी यहीं पे इंट्रोड्यूस किया था बाय क्वीन अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वरी सिलक को इंट्रोड्यूस किया था। बिहार बहुत सारी चीज टेक्सटाइल क्राफ्ट के लिए जानी जाती है, सॉरी बिहारी भोपाल बहुत सारे टेक्सटाइल क्राफ्ट के लिए जानी जाती है। ग्वालियर के राजा सिंधिया, ग्वालियर ने 1857 रिवॉल्ट में ग्वालियर ने साथ नहीं दिया, साथ दिया था नेपाल ने, जेएनके ने और एमपी ने। ये राजा होते थे, इन सब ने, ये सारी फैमिलीज बिलोंग करती है एक दूसरे से, इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में साथ नहीं दिया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला स्ट्रीट रेसिंग सर्किट, ठीक है। स्ट्रीट रेसिंग सर्किट सारे बॉयज तो रात को करते ना ये बोला है, ठीक है। स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया चेन्नई में, तमिलनाडु में, याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली रबर टाइड मेट्रो नासिक मेट्रो रेल, पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई। भाई आप में से हिल रहे कोई? प्रियांशु नहीं, तुम तीनों में, हाँ हिमांशु होगा। पहली वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम बेंगलुरु, पहली इंडिया की पहली कौन सी सिटी है जिसने कल्चर फोरम में पार्टिसिपेट किया था? बेंगलुरु में। ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट राजस्थान ने इशू किया, और राजस्थान इसके साथ फर्स्ट स्टेट भी बनती है जिसने ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया। प्लस नेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर हु रिसीव द बर्थ सर्टिफिकेट, नूर शेखावत इन राजस्थान। पहली स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया एमपी को, और स्मार्ट ये स्टेट है, स्टेट एमपी सिटी है इंदौर, ठीक है। नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई में। आप देखिए, पहली वुमेन एविएटर कैप्टन, ये पहली अभिलाषा बार, ये कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पुराने नहीं होते, ये लास्ट ईयर का मैंने रिपीट किया, ठीक है। पहली वुमेन जिसने रफाल उड़ाया, और पहली बार रिपब्लिक डे में अपने डेब्यू में भी पार्टिसिपेट किया शिवांगी सिंह, याद रखिएगा। मोहना दास, शिवांगी सिंह एंड भावना काम, ये तीनों पहली पायलट है देश की, ठीक है। पहली इंडियन एयरफोर्स जिसने करगिल वार में पायलट जिसने करगिल वार में पार्टिसिपेट किया गुंजन सक्सेना। हाईएस्ट रैंक इन इंडियन आर्मी फील्ड मार्शल अपनी है, खत्म हो चुकी, मतलब खत्म ही है। पहले जो फील्ड मार्शल थे मानिक शाह, दूसरे करप्पा, तीसरे अर्जुन सिंह, ठीक है। अर्जुन सिंह सीएम करप्पा से पहले मानिक शाह थे, सेकंड करप्पा थे, और तीसरे जो थे अर्जुन सिंह, इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करते थे। हाउ मेनी आर्मी फील्ड मार्शल देयर इन इंडिया? टू इंडियन फील्ड मार्शल,
ये लिख भाई के एम करप्पा मध्य हाँ मैंने लिखा है नीचे के एम करप्पा सामानिक शाह और 1973 फर्स्ट एंड ओनली मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह पहली पायलट फ्रॉम जे एंड के मावा सूदन पहली वुमेन पायलट शिवांगी सिंह भावना गांधी राजसभा बना था फर्स्ट वुमेन पायलट इंडियन एयरफोर्स अवनी चतुर्वेदी मोहना सिंह ये भी इंडियन एयरफोर्स की पहली क्या है पायलट एक पॉइंट पॉइंट सिंह का टेस्ट जो है फर्क रहा और जिसमें अवनी चतुर्वेदी ये पहली वुमेन पायलट है भारत की टू फ्लाई एयरक्राफ्ट ऑल्सो फ्लाइंग ऑफिसर जिनको अवनी चतुर्वेदी से याद रखिएगा धर्मा गार्डियन में पार्टिसिपेट किया फ्रांस की ही है बट पार्टिसिपेट धर्मा गार्डियन में किया था और ये पहली वुमेन इंडिया की है जिसने वहां पे रफाल उड़ाया था और पहली वुमेन जिसने धर्मा गार्डियन जापान में और फ्रांस में एक्सरसाइज डिफेंस सॉरी एयरफोर्स एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जी मैक्स था क्वेश्चन उसी के साथ ठीक है जी मैक्स चेक कर लेना ठीक है जी मैक्स में की धर्मा गार्डन इंडिया जापान और जापान के साथ जो एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन जी मैक्स एंड मालाबार एक्सरसाइज और क्वाड ग्रुप के ये मेंबर भी जी फोर के भी जापान और इंडिया देखिए जी फोर जापान इंडिया जर्मनी क्वाड ग्रुप मालाबार धर्मा गार्डियन जी मैक्स ठीक है इन सब में ये जापान और इंडिया की पार्टनर ये सारा सेम इसमें चार लोग सेम है इसमें नहीं सेम है इसमें देखो जी फोर में कौन कौन है इंडिया जापान ब्राजील जर्मनी ये डिमांड करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप की डिमांड क्वाड ग्रुप में इंडिया जापान यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया और मालाबार एक्सरसाइज में भी ये लोग काम करते हैं नेवल चीफ कौन है आर हरि सिंह एयरफोर्स चीफ कौन है मार्शल विवेक राम चौधरी और ये रह गए मनोज मुकुंद नरवाना ये आर्मी चीफ है और हेड ऑफ द थ्री फोर्सेस जो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रहती कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत के वे ही रहती है पहली वुमेन जो तमिलनाडु से कॉन्केर किया माउंट एवरेस्ट मतमी सिल्वी ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस है वुमेन से क्वेश्चन रहता ही रहता है आप जो मर्जी कर लो मैंने आज आधे ही पढ़ाऊंगी ठीक है क्योंकि आपके लंच को नजर लग गई है पहली ये भी इसी रवनीत कौर का भी आने का चांसेस है आई एस ऑफिसर है ये पहली फीमेल बनी है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की ये भी बड़े इंपॉर्टेंट जो पहला है वो हमेशा पहला ही रहेगा ठीक है जब आप अपने बच्चे भी बढ़ाओगे तब भी ये पहले ही रहेंगे ठीक है पहली वुमेन जे एंड के से ये भी आ सकता है आलिया मीर ठीक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव अवार्ड से नवाजा गया इसको पहली डिप्लॉय सियाचिन ग्लेशियर में पहली वुमेन शिवा चौहान कौन है शिवा चौहान मैंने आपको बोलता लास्ट सिक्स मंथ के पहले भी देखिए ठीक है पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान पहला स्टेडियम एक हॉकी स्टेडियम जो वुमेन के नाम पे रखा गया और पहला स्टेडियम भी कौन सा है रानी रामपाल के नाम पे रखा गया रानी रामपाल टोक्यो ओलंपिक्स की हॉकी की कैप्टन थी रानी रामपाल भारत की यंगेस्ट प्लेयर है हॉकी की ठीक है याद रखेगा और पहले दो भाई जिन्होंने पहले सेबलिंग जिन्होंने ग्रैंड मास्टर जीता है वो कौन है विघ्नेश और चेस प्लेयर चेस में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है डी गुकेश कौन है डी गुकेश जो है चेस प्लेयर ऑफ द ईयर है
आर प्रज्ञानंदा ने क्या किया है, अभी रिसेंटली फाइट में पार्टिसिपेट किया था और सेकंड और रनर अप रहे, ठीक है। डी टूकेश जो है इंडिया के टॉप मोस्ट प्लेयर हो चुके हैं, हाँ ग्रैंड मास्टर है, अब तो 17 ईयर के हो गया है, डी के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है भारत के। और डी गुकेश ने क्या किया रिसेंटली, इंडिया के नंबर वन हो चुके हैं, इंडिया के नंबर वन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को उन्होंने सरपास किया है, ठीक है याद रखिएगा। विग्नेश एंड विशाख जो है सेबलिंग है, पहले सेबलिंग ग्रैंड मास्टर बने हैं। ओल्डेस्ट चाइनीज प्लेयर जिसने 1000 मास्टर्स जीते अब विन किया है वो रोहन बापना, ये क्वेश्चन रोहन बापना से भी आ सकता है, रोहन बापना प्रोमिनेंट बैडमिंटन सॉरी टेनिस प्लेयर है भारत के, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप प्लेयर सारे करने हैं भाई, ठीक है। आईएएस में जो एग्जाम होते हैं वो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट वाइज में होता गैट का एग्जाम होता है, यही होता ना, ठीक है, जिसमें क्या होता है तीनों जनरल स्टडी मैथ और रीजनिंग सब आता है, सी सेट सॉरी गैट इंजीनियरिंग सी सेट का होता है, ठीक है, और वो मुश्किल नहीं होता है। अगर आप 11 से पढ़ना शुरू से तुम लोग आए हो, तुमने अभी से पढ़ना पढ़ोगे तुम्हारा सी सेट क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है सी सेट पास करना। पहली डिजिटल करेंसी पार्क कोची मेट्रो, ठीक है। पहला रेशम की बीमा स्कीम उत्तराखंड में लॉन्च की है। पहली नागालैंड की एमएलए जो राज्य, अब यहाँ से इसका चेस्टन ट्विस्ट होगा, ये पहली नॉर्थ ईस्ट की एमएलए बनी है जो राज्यसभा में प्रिसाइड करेगी, ठीक है, 22 चेयरमैन के साथ किस कहाँ पे राज्यसभा में, अकानी जाकू, वेरी इंपॉर्टेंट। मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है। नागालैंड के फिफ्थ चीफ मिनिस्टर, ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। निपायु राय त्रिपुरा के मानिक शाह, मेघालय के कॉनर एंड शर्मा। इस कंट्री ने, ये यूएसए की पहली सिटी है जिसने कास्ट को बैन किया है, सेटल। पहली वैदिक लॉ उज्जैन में लॉन्च की। पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में। पहला बायो विलेज त्रिपुरा में। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 1000, क्या है परम 1000। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल, ये इसका क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, गुजरात ये आने के चांसेस है। पहला जियोलॉजिकल पार्क एमपी में बनाया जाएगा। ये लास्ट एनडीए का पहला क्वेश्चन था, जो पीछे एनडीए हुआ उसका पहला क्वेश्चन जीएस का यही था। फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रमएस, फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन वरुणा, ह्यूमन स्पेस, ये वरुणा आ सकता है, गगन या गगन स्पेस पे जाने वाले भारत के पहले आर्टिफिशियल पर्सन का नाम बताओ, व्योम, क्या है व्योम, याद रखेगा व्योम, आगे मुझे पता नहीं क्या है याद नहीं रहा, व्योम है उसका नाम, पहला पर्सन जो स्पेस पे जाएगा आर्टिफिशियल वो उसका नाम है व्योम, क्या है व्योम। पहले इंडिजेनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, ये क्वेश्चन आया था पिछले साल पिछले लास्ट वाले एनडीए में, विक्रांत में किसको किसको कैरी किया गया था, किया जाने की कैपेसिटी है सुपरसोनिक मिसाइल, क्या नाम है ब्रह्मोस, ठीक है। पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट ले, पहली चीता सेंचुरी कूनो नेशनल पार्क, पहला डार्क स्काई रिजर्व हैंगर विलेज ऑफ लद्दाख, ये आपके रहे पीछे सारे करंट अफेयर्स, आपके बंद करता आपका, थैंक यू, जय हिंद।